बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एसीएन के मुआज़्ज़ज़ सार्फीन, दौरे हाजिर में बढ़ती हुई महंगाई और बीमारियों ने इंसान को एक अजीब कश्मकश में डाल दिया है। दवाओं की झंझट में अगर पड़े तो जेब भी खाली और मुंह का मजा भी खत्म। ऐसी सूरत में सदियों से चले आ रहे कुछ ऐसे इलाज हैं जिन्हें एक दौर में हकीम बाकायदा इलाज ही तसव्वुर करते थे, और ये वो अमल है जो बादशाह और हुक्मरान भी आजमाते थे। इनमें सफ़े अव्वल पर है गरारे करना। ज़्यादातर लोग नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करते हैं, लेकिन गरारे लौंग के पानी से, डिस्प्रीन से भी करते हैं। नमक के पानी के गरारों के फवायद बेशुमार हैं। तहकीक ने साबित किया है कि नमक के पानी से गरारे करना सेहत के लिए सबसे आजमूदा और बेहतरीन जरिया है। नमक बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया की रोकथाम करके मुँह को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है। जमानों से ये नुस्खा सबसे आजमूदा है कि गले में दर्द होते ही डॉक्टर के पास भी जाने से पहले सुबह शाम नमक के पानी से गरारे लाजम हो जाते हैं। जरा सा भी ठंडा महसूस हो या हल्का सा भी दर्द और खांसी, तो ये सबसे आसान और सस्ता इलाज है। गले में या नाक में जब खास किस्म की एलर्जी की वजह से नज़ला और दर्द महसूस हो, अपने पालतू जानवर के साथ रहते हुए भी मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी लग जाती हैं, तो इस वक्त फौरी तौर पर नमक और नीम गर्म पानी से गरारे करना बेहद मुफीद है। नमक का पानी मुंह में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के इन बैक्टीरिया से भी जंग लड़ता है जो मसूड़ों में दर्द और जरासीम पैदा करते हैं। जब आप इसे अपने रोजमर्रा के मामूल में शामिल कर लेंगे तो दांतों की सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इससे मुँह की बदबू भी दूर हो जाती है। वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, इसे रोज ना करें, और वो लोग जिनके मुंह में खुश्की हो जाती है, वो इस बात का ख्याल रखें कि नमक इनके मुंह को और खुश कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अजीजों कार के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता रहे।